हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार जी। डॉक्टर भारती, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके क्षेत्र में महाराष्ट्र में आयोजन, वो भी हिंदी दिवस पर राजभाषा सम्मेलन, कितना गौरवान्वित महसूस कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की अनुभूति है। और आज हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का महाराष्ट्र में आयोजन होना, मुझे लगता है हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, गौरव का दिन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूँ। आदरणीय हमारे गृहमंत्री, माननीय केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह जी को भी मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ। उनके राज्य मंत्री माननीय मिश्रा साहब को, अजय मिश्रा जी को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये तीसरा सम्मेलन आयोजन करना। देखिए, इसके पहले इस तरीके की कोई ऐसे आयोजन राजभाषा सम्मेलन के तौर पे कभी हुए नहीं थे। माननीय केंद्रीय मंत्री अमित भाई शाह जी ने इसको हिंदी की विशेषता को देखते हुए, हिंदी भाषा को हमें अगर और आगे परिचित करवाना है, उसका बढ़ाना है, आगे लोगों के सामने उसका व्यवहार बढ़ाना है, तो इस दृष्टि से ये सम्मेलन होना बहुत आवश्यक है। और इस दिशा में उन्होंने ये निर्णय लिया। और 2021 में पहला सम्मेलन हुआ वाराणसी में, दूसरा सूरत में हुआ, और तीसरा आज पुणे महाराष्ट्र में हो रहा है। मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत जो हुई है, और आज देखेंगे कि आज 10,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, राज्यों के, अन्य राज्यों के लोग यहाँ पे आए हैं। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा के जानकार, सलाहकार, विद्वान जिन्होंने हिंदी पर काम किया है, अभी ऐसे पुरस्कार भी वितरित हुए जिन्होंने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी है, अच्छा साहित्य लिखा है, और जिन्होंने हमारे अलग अलग विभागों में हिंदी भाषा को उस व्यवहार में लाने के लिए पूरी तरह कोशिश की है, मुझे लगता है उनका गौरव होना, उनका यहाँ पर सम्मान होना बहुत बड़ी बात है। और आज अगर G20 की भी हम हमारी बैठकें देखते हैं, जहाँ पे सारे दिग्गज 20 कंट्रीज से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हैं, उनके सामने भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिंदी भाषा में उद्बोधन हो, संभाषण हो, ये एक देश की गौरवशाली हमारी अनुभूति रही है। और उसके साथ ही विश्व ये पहचान गया है कि यहाँ की भाषा, हिंदी भाषा के लिए हमारा कितना सम्मान है, आदर है, और ये भाषा हमारी एक दूसरे को जोड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रीय मंत्रालय जितने हैं, उसमें जो 2014 के बाद जो हिंदी का प्रचार प्रसार है, वो कैसा रहा है? हालांकि ये जो सम्मेलन है राजभाषा, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य विभाग में कैसी स्थिति है हिंदी की? जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि अनेक विभागों ने ये काम शुरू किया है, और जैसे 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, विशेष रूप पर भारतीय संस्कृति, पहचान, भाषा, भूषा और हमारी गौरवशाली इतिहास को उन्होंने लगातार वो आगे लाने की कोशिश की है, जिसमें हिंदी भाषा का भी समावेश है। और मैं कहूँगी कि अन्य विभागों के साथ ज़रूर, मेरा भी स्वास्थ्य मंत्रालय है, हमारी हाल ही में आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने भी स्वास्थ्य विभाग में एक हमारी बैठक आयोजित की थी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हिंदी भाषा में उसमें काम चले, हमारे बैठकों में भी हिंदी भाषा की बोलचाली का व्यवहार बढ़े, इसमें भी काम हो रहा है। और इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो हमारे MBBS के कोर्सेस हैं, उसको भी आज मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में प्रस्तुत किया है। यह एक अनोखा और नया पहल है, और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे देखेंगे हमें तो ये बहुत ही हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ एक MBBS का कोर्स होना, ये बहुत ही बड़ी बात है, वो भी हो रहा है, उससे अन्य राज्यों में भी कुछ निर्णय ले जाएंगे। मुझे लगता है एक भाषा श्रेष्ठ भाषा, और भाषा को हम एक दूसरे के साथ जब बोलते हैं तो एक अनोखा रिश्ता हम बनाते हैं। और हमारी हिंदी भाषा सभी को साथ लेके चलने वाली भाषा है, ये सहज भाषा है, ये संस्कृत भाषा का एक अगला, ये कहेंगे तो मैं उसको देखती हूँ कि संस्कृत के बाद एक हिंदी ऐसी भाषा है जो बहुत ही पुरातन है, लेकिन सभी को समेटने वाली भाषा है। और हिंदी भाषा की एक बहुत ही मिठास अलग है, एक उसका स्वभाव अलग है, उसके
कुछ शब्द तो इतने गहरे हैं कि शायद वो शब्द सुनने के बाद एक नई चेतना प्रेरणा मिलती है। हृदय की भाषा है। हृदय की भाषा, बिल्कुल आपने पवन जी बिल्कुल सही कहा, एक हृदय की भाषा है और इतनी मीठी लगती है कि वो सुनते जाओ ताकि वो भाषा अपने आप को एक अपने से जोड़ती है। मुझे लगता है आज ऐसी भाषा हमारी हिंदी भाषा है जो सबको समेटती है और हमारे हर भारतवासियों को अगर ये भाषा आती है तो हम भारत में किसी भी कोने में प्रवास करें, किसी भी गांव में जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें लगेगा कि हम किसी और जगह आए हैं। तो ये भाषा सभी ने हमारे रोज के व्यवहार में लाना भी ज़रूरी है और ये भाषा हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत को दर्शाती है और समेटती है। हम भले अलग भाषा भूषा संस्कृति है लेकिन हमारी पहचान ही अनेकता में एकता है और ये एकता हिंदी भाषा दर्शाती है, इसीलिए वो राजभाषा कहलाती है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार का कहना है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए एक भाषा श्रेष्ठ भाषा ये भी हमें करना पड़ेगा और हिंदी के प्रति उनका आग्रह है कि देशवासी भी इस जो मुहिम है कि 2047 तक आत्मनिर्भर भाषा भी हम तैयार करेंगे उस दिशा में आगे बढ़े।